वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे फेवरेट शुगर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एंड आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि मुझे जो है शुगर के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा पसंद है। मैंने इनका वन ब्रांड ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। सो अगर आप जानना चाहते हो मेरे फेवरेट शुगर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, देन कीप ऑन वॉचिंग। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी सबका परचेज लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। अब बिना इस इंट्रो को लंबा किए हुए चलते हैं हम हमारे वीडियो के तरफ। सो लेट्स गो। सो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उनके ये ब्लेंड द रूल्स आई शेडो क्वाड की। तो ये जो है कुछ इस तरीके का है आई शेडो क्वाड। ये है शेड इररिप्लेसेबल। इसमें जो है मुझे 4 आई शेडोज मिले हैं, जिसमें से 3 जो है वो थोड़ा सा शिमरी काइंड ऑफ शेड है और एक जो है वो मैट शेड है। इनका पिगमेंटेशन मैं आपको बता देती हूँ पहले। दिस इज हाउ पिगमेंटेड द पैलेट इज। देखो आप शेड्स, इनका पिगमेंटेशन काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें जो है और भी अलग अलग शेड्स आपको मिल जाएंगे। आई शेडो क्वाड में आपको मिलेगा 5 grams ऑफ प्रोडक्ट और ये है ₹699 का। आई फील फॉर ₹699, इसका पिगमेंटेशन इज क्वाइट गुड। सो ये था पहला प्रोडक्ट जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये है उनका कॉन्टोर द फोर्स फेस पैलेट और ये है शेड सटल समिट। ये फेस पैलेट में जो है आपको 2 शेड्स मिल जाएंगे, एक है सटल समिट एंड सेकेंड वन इज विविड विक्ट्री। अगर आप मेरे मेकअप वीडियोज देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं इसे कितना ज्यादा यूज करती हूँ। एंड गाइज, दिस इज लाइक अ मस्ट हैव शुगर का प्रोडक्ट। अगर आपको एक ही पैलेट चाहिए जिसमें आपको कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्लश सब मिल जाए, सो डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक दिस आउट। पिगमेंटेशन इज गुड, हाईलाइटर का शेड जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, ब्लश जो है वो बहुत ही सटल ब्लश है तो आप इसे बिल्ड कर सकते हो, और कॉन्टोर शेड जो है वो एग्जैक्टली हमारे इंडियन स्किन टोन के हिसाब से है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये आपको मिलेगा ₹799 का और इसमें आपको मिलेगा 12 grams ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप सिर्फ एक हाइलाइटर भी लेने जाते हो 350-400 rupees का हाइलाइटर ही आपको मिल जाता है। सो बेटर है कि आप 799 में जो है ये 3 चीज आप खरीदो एंड दिस इज रियली गुड फॉर इंडियन स्किन टोन। तो ये फेस पैलेट था सेकेंड शुगर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट जो शुगर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट मुझे ज्यादा पसंद है वो है ये शुगर का ट्विस्ट एंड शाउट फेडर प्रूफ काजल। ये है शेड 01 ब्लैक वेलवेट और ये जो है मेरा ऑलमोस्ट अब खत्म ही हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है, मैंने इसे पूरा यूज कर लिया है। दिस इज रियली ब्लैक, पिगमेंटेशन इसका बहुत ही अच्छा है। ये जो काजल है ये स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और ये रिटेल करता है ₹399 का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट जो है ये है उनका पावर क्ले SPF 20 BB कुशन और ये जो है मैंने रिसेंटली ट्राई किया था। ये मुझे रिसीव हुआ था इन अ गिव अवे बाय अनम चश्मा वाला, तो ये तभी मैंने ट्राई किया था एंड आई फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, रियली गुड पैकेजिंग, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है और अंदर आपको जो है मिरर भी मिलता है। कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट ओपन होता है एंड हियर इज अ प्रोडक्ट और ये है इसका कुशन। कुशन की क्वालिटी भी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसे आपको ऐसे लेना है और ऐसे लगाना है। मैंने इसे अपने एक वीडियो में भी यूज किया है तो आपने देखा ही होगा, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, नेचुरल फिनिश देगा आपको और ये रिटेल करता है ₹1099 का फॉर 12 grams। इसमें जो है आपको 5 शेड मिल जाएंगे। परचेज लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो। सो दिस वॉज द 4th प्रोडक्ट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड काफी अलग ही प्रोडक्ट है वो है ये शुगर का सील द शो लिप प्राइमर। सो ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है। अगर आपके लिप्स जो है काफी ज्यादा चैप्ड होते हैं या फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो आप अगर ये लगा के लिपस्टिक लगाओगे इट विल ग्लाइड ऑन स्मूथली एंड दैट इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो अगर आपके लिप्स जो काफी ज्यादा फटे फटे से रहते हैं सो
Give this one a try and I know you will never regret it. I like using ये वाला जब मेरे lips जो है काफी फटे से रहते हैं ठंडियों में, ज्यादातर करके I like to use ये वाला product. ये retail करता है 599 rupees का और इसमें मिलता है आपको 1.2 gram of product and इसकी आपको बस थोड़ी सी quantity लगती है तो ये काफी लंबे समय तक आपको चलने वाला है. Moving on to the next. आपको पता ही होगा कि ये लिप क्रेयॉन जो है कितना रेव्ड है. ये है शुगर के मैट एज हेल लिप क्रेयॉन और मेरे पास है शेड रोज डॉसन. ब्यूटीफुल शेड है ये, लॉन्ग लास्टिंग है, 5 to 6 आवर्स आराम से आपके लिप्स पे टिकेगा. फॉर्मूला इज रियली वेरी क्रीमी, आपके लिप्स को जो है एकदम ड्राइंग फीलिंग नहीं देगा, ऐसा लगेगा नहीं कि आपने अपने लिप्स पे कुछ लगाया हुआ है. इजिली ग्लाइड ऑन भी हो जाता है लिप्स पे और इसमें अवेलेबल है 36 शेड्स, सो आई थिंक शेड रेंज बहुत ही अच्छी है इनकी. ये आपको मिलेगा 799 रुपीस का फॉर 2.6 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. तो ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे आपके साथ शेयर करना था. मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट, वो है ये. इसके बिना तो आपको पता है मेरा वीडियो कंप्लीट होगा ही नहीं. और ये है शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक. तो ये है शेड 08 वाइन एंड शाइन. इसमें आपको मिलता है 4.5 ml ऑफ प्रोडक्ट. ये रिटेल करता है 499 रुपीस का और इसमें अवेलेबल है 52 शेड्स. तो कैन यू इमेजिन लाइक 52 शेड्स एक लिक्विड लिपस्टिक में. इसका स्वॉच दिखा देती हूँ मैं आपको पहले. तो दीज आर लाइक सुपर पिगमेंटेड और आपको जो है बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी लेनी पड़ती है. सो दिस इज अ शेड वाइन एंड शाइन. आई नो इसका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा ड्राइंग साइड पर है बट अगर आप अपने लिप्स को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करके इसे यूज करते हो अलॉन्ग विद अ लिप बाम तो ये जो है थोड़ी कम ड्राइंग लगती है. बट आई रियली लाइक कि ये जो है काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. सो आई रियली लव ये वाले लिक्विड लिपस्टिक एंड मैंने इनका जो है डिटेल रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया हुआ है मेरे चैनल पर. तो मैं जो है उसका लिंक आई बटन में ऐड कर दूंगी तो आप वहां चेक कर लेना. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. तो ये थे मेरे शुगर के फेवरेट प्रोडक्ट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करना था. होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और सब्सक्राइब बटन पे जो है हिट कर लेना. सब्सक्राइब के बाजू में ही बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लेना सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम मी. और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा. अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.